दोस्तों माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में, जहां पर देख सकते हैं businessinsider.com नाम की साइट है, जहां पर 7.5 मिलियन से भी ज्यादा इनके मंथली विजिटर्स है। मतलब इनकी साइट पर 75 लाख से भी ज्यादा लोग विजिट करते हैं हर महीने। वो यहां पर सजेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर शिबा इनू को बाय करने का। उन्होंने आर्टिकल भी पब्लिश यहां पर किया है अराउंड, यहां पर देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि अपनी आंखों को बंद कीजिए, नाक को पकड़िए और सीधा ही शिबा को बाय करने की डुबकी लगा लीजिए, क्योंकि यह एक एफडी की तरह कार्य कर सकता है। क्योंकि एक जमाने में शिबा इनू भी था जब लगभग इसने बहुत तगड़ा यहाँ पर रिटर्न दिया था, बिकॉज सभी उस टाइम नक्षत्र अच्छे चल रहे थे, बिटकॉइन अपने ऑल द टाइम हाई पर चल रहा था, उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर सभी चीज़ों में बहुत कम था और सभी लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बुक कर रहे थे। शिबा इनू के बारे में आपको पता होगा 3 स्टोरी बहुत यहाँ पर फेमस है, जिन्होंने बहुत तगड़े यहाँ पर प्रॉफिट कमाए थे। इनके अलावा भी कई लोग हैं जिन्होंने शिबा इनू में यहाँ पर प्रॉफिट करा के निकले हैं। अगर हम मार्केट कैप का बात किया जाए तो अभी जो सप्लाई है इसकी अराउंड 400 ट्रिलियन यहाँ पर बन हो चुकी है, इसके बाद में 600 ट्रिलियन रहता है। एक पैसा अगर लाना चाहूँ तो 6 ट्रिलियन मात्र मार्केट कैप हो जाता है। मात्र मतलब हम समझ सकते हैं कि 3 नंबर पर इसकी रैंकिंग आसानी से आ सकती है, क्योंकि कई लोगों को नहीं पसंद कि उनकी मार्केट कैप पहले नंबर पर आए या सेकंड नंबर पर आए, तो यहाँ पर लो भैया हमने 3 नंबर पर भी लाकर यहाँ पर पहुँचा दिया है। शिबा इनू एक पैसा तक तो आसानी से मैं खुद मान रहा हूँ कि जाने वाला कॉइन है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो पीक बनाया था वो बिटकॉइन के ऑल द टाइम हाई पर था। अभी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज उसका रीजन है कि शिबा में ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, मात्र लगातार होल्डर जुड़ पा रहे हैं और केवल इसको होल्ड कर रहे हैं। अगर इसको होल्ड करेंगे तो होल्ड के जैसा यह कॉइन निकलेगा। अगर पूरी जगह पर यही एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जाए कि आपको डेली के शिबा इनू लेने हैं और मात्र बेचने हैं, तो भी इसका वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। शिबा इनू के बारे में अगर बात किया जाए, अगर इसको डोजकॉइन के साथ कंपेयर करके बताऊं तो डोजकॉइन को भी 1 सेंट पर आने के लिए बहुत बहुत साल लगे थे, और देख सकते हैं डोजकॉइन 8 साल के बाद में यहां पर फेमस हुआ है, जिसकी कम्युनिटी लगभग शिबा इनू के बराबर है और शिबा इनू ने मात्र 1 साल में यह करके दिखाया। बात करूं तो डोजकॉइन एक बहुत तगड़ा यहां पर कॉइन किस प्रकार नहीं निकलता, हालांकि प्राइस में भले ही है ऊपर हो और होगा आने वाले समय में बहुत तगड़ा जाएगा, बिकॉज इसके पीछे इलॉन मस्क है। लेकिन अगर शिबा इनू की बात किया जाए तो शिबा इनू में इतने ज्यादा इसके होल्डर है पहली बात, दूसरा 1 साल में इसने जितना कम्युनिटी बिल्ड किया है उतना कोई भी कॉइन ने यहां पर नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में मैं पक्का यहां पर कह सकता हूं कि 1 पैसा पहुंचने के इसका आसार बहुत बहुत ज्यादा लग रहे हैं। जिस प्रकार इसकी बर्निंग अगर जल्दी से लाई गई तो हो सकता है इससे भी ऊपर आसानी से यह निकल सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द शिबा इनू, ताकि लोगों में थोड़ा मोटिवेशन हो, लोगों को पता चले कि यह एक सेट कॉइन नहीं है, डेड कॉइन नहीं है। अगर डेड कॉइन होता तो आज इसके नाम पर कई प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं होते, जैसे कि शिबा स्वैप हो गया, खुद के पूल्स हो गए, लिक्विडिटीज हो गई, कई प्रकार के एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो गई, बर्निंग के इवेंट्स हो गए, कई प्रकार की चीज़ों इन्होंने ट्राई की है। मेन इसका मोटिव है ट्रेडिंग वॉल्यूम को यहाँ पर बढ़ाना, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तगड़ी बाइंग, बहुत ज़्यादा तगड़ी सेलिंग, तभी यहाँ पर इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ पाएगा, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो ही लोग इसमें नए इन्वेस्टर्स यहाँ पर नए लोग जुड़ पाएंगे, तभी इसमें पता चलेगा कि हाँ जिस प्रकार जो कॉइन डेली इंट्राडे के लिए बढ़िया बन जाता है वही कॉइन लंबे समय तक के लिए बढ़िया चलता है, मतलब उसका प्राइस में गेन बहुत तगड़ा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, 10 रुपये में मान लीजिए मात्र हमने कोई कॉइन खरीदा है तो हम उसे चाहेंगे कि 15 रुपये में बेचें, 12 में बेचें, 13 में बेचें या 20 में बेचें। उसे जब बेचेंगे तो उसका जो एवरेज प्राइस था लगातार 10 नहीं रहेगा, अब वह आ जाएगा 11 पर। धीरे धीरे ऐसे करके उनके प्राइजेस बढ़ते रहते हैं, जैसे मान लीजिए ICP हो गया, सोलाना हो गया, कैप हो गया, मैटिक हो गया, सभी में यही चीज़ें हैं कि उनमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है इसलिए लोग वॉलेटिलिटी को और बढ़ा देते हैं। जैसे ही कॉइन गिरने लगता है तो जनता खुद ही होती है उस कॉइन को और गिरा देती है, मतलब एक ने सेलिंग किया, बड़ी सेलिंग आई, लगातार उसके लोग पीछे लगातार सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले लिंक चेक करना मत भूलिएगा, काफ़ी अवेलेबल होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।